the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again? Again, 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 again. You're watching RC17 vlogs. So guys, this time ho raha hai 11:15 aur hum ja rahe hain kahin dur, yani long ride pe apne friends ke sath. So abhi market chalte hain aur wahan se apne friends ko pick karenge, uske baad chalte hain ride ke upar. Aaj pura din fun masti ka hai, so zyada time waste na karte hue chaliye chalte hain market ki taraf. जैसे ही मैंने यहाँ से अपने दो फ्रेंड्स को पिक किया पदमपुर से, उसके बाद हम गए रायसन नगर एंड वहाँ पे सब लोग मिल गए और उसके बाद अच्छे से बातें वगैरह की, पूरा दिन एंजॉय किया. उसके बाद चले गए गंगानगर. तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसे कैप्चर क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कैमरा से थोड़े शाये हैं, कैमरा के आगे अभी इतने फ्रेंडली नहीं हैं. तो फिर मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही धक्के से अगर वीडियो बनाऊंगा तो पूरा दिन स्पॉइल हो जाएगा, वो भी ऐसे शर्माते रहेंगे कैमरा को देखकर किसी नई दुल्हन की तरह, एंड साथ ही साथ पूरा दिन स्पॉइल भी होगा क्योंकि वीडियो बनाएंगे तो बातें वगैरह नहीं होंगी. काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं हम, गेट टुगेदर हो रहा है काफ़ी अच्छा, सो इसलिए मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया. उसके बाद हम गंगानगर जाके हम डोमिनोज पिज़्ज़ा गए, वहाँ पे अच्छी से पार्टी वगैरह की. उसके बाद लेट नाइट घर पे आए लगभग 9 बजे. फिर वहाँ से रायसनगर में वापस गया अपने फ्रेंड्स को ड्रॉप करने गंगानगर से, और रायसनगर से वापस आया फिर घर पे. एंड उसके नेक्स्ट दिन मैंने सोचा कि वीडियो के अंदर तो कुछ बनाया ही नहीं, कंटेंट तो कुछ बनाया ही नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग ही किया है. उसके नेक्स्ट डे उठते ही फादर साहब बोले कि गाड़ी की सर्विस कराने वाली है, चलते हैं गंगानगर. तो उठते ही गंगानगर चले गए, वहाँ पे गाड़ी की सर्विस वगैरह कराई, उसके कुछ शॉट्स कैप्चर किए, वो भी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा. एंड रही बात अब की, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ आप सभी सोच रहे होंगे. तो आज है तीसरा दिन, यानी कल परसों गया मैं रायसन का फ्रेंड्स के साथ, और कल कराई गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह एंड वॉशिंग वगैरह कराई, इंटीरियर अंदर से साफ करवाया, और आज जा रहा हूँ मैं रायसनगर. बैक टू बैक 3 डेज, यानी हैट्रिक लग रही है पूरी, एंड एक भी दिन फ्री नहीं है बीच में, पूरा बिजी शेड्यूल चल रहा है. तो अभी मैंने बीच में सोचा थोड़ा सा एक बार बता दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कल मैंने क्या किया, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो कि बात तो कर रहा था फ्रेंड्स के साथ घूमने की और बीच में ही गाड़ी की सर्विस करवा रहा है, तो इसलिए मैंने आपको अपडेट दिया. तो अब पहले देखिए आप, मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत ही शूट किया था, ज़्यादा नहीं किया बिकॉज काफ़ी हैक्टिक डे था कल पूरा, मतलब लगभग 6 से 7 घंटे लग गए सर्विसिंग कराते टाइम, तो पज़ल हो गया, तो इतना अच्छे से व्लॉग नहीं हो पाया. बट कुछ सिनेमैटिक शॉट्स एंड कुछ टाइम लैप्स मैंने कैप्चर किए, वो आप देखिए एक बार, उसके बाद आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं. तो चलिए देखते हैं.
अभी आपने कल के शॉर्ट्स देखे एंड अभी हम प्रेजेंट में आ चुके हैं, आज अभी मैं ऑन द वे हूँ, आप देख सकते हैं ड्राइव कर रहा हूँ, कैमरा को मैंने माउंट कर रखा है ट्राइपॉड पे एंड साथ साथ व्लॉगिंग चल रहा है अपना। और आप सोच रहे होंगे कि आवाज इतनी क्लियर कैसे आ रही है, तो एक जुगाड़ किया मैंने, ये देखिए ये गाड़ी का जो सन वाइजर होता है जिससे आंखों को धूप से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर मैंने ये अपना बोया वाला माइक लगा रखा है। काफी अच्छी साउंड आ रही होगी इसकी वजह से, आई होप सो, क्योंकि अभी मैंने सुना नहीं है इसकी क्वालिटी को कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। तो अब मौसम काफी अच्छा हो रहा है, पूरा बारिश वाला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है बारिश होगी। अगर बारिश होगी ना आज तो क्या कहना, पूरा दिन बन जाएगा, क्योंकि बारिश के अंदर ड्राइव करना मेरे को काफी अच्छा लगता है और साथ ही साथ व्लॉगिंग करते हैं ना बारिश में, तो काफी अच्छे शॉट्स आते हैं नेचर के। सो अभी जा रहा हूँ मैं करणपुर। करणपुर किस लिए जा रहा हूँ वो बताता हूँ पहले आपको। वहां पे फ्रेंड्स क्या है, 4 बजे मेरा एक छोटा सा मीटिंग है किसी पर्सन के साथ, उसे मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद वहां से जैसे ही फ्री होऊंगा उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी आप रास्ते के कुछ शॉट्स देखिए एंड मीटिंग के बाद मिलते हैं। 1-1.5 घंटा लगेगा मेरे को वहां मीटिंग खत्म करने में, हो सकता है इतने में बारिश भी हो जाए। अगर बारिश हो गई तो आपको शॉट्स काफी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं करणपुर की तरफ। अब करणपुर लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया है, ज्यादा नहीं है रास्ता, थोड़ा ही रास्ता रहा है। अभी टाइम हो रहा है, एक सेकंड मैं टाइम देख लेता हूँ टाइम क्या हो रहा है, 3:47 और 4 बजे मेरे को वहां पे पहुंचना है। तो एक बार मैं कैमरा को पॉज करता हूँ, क्योंकि अगर इसी तरह बातें करता रहा, गाड़ी भी काफी धीरे चल रही है, 40-50 की स्पीड में चल रही है, क्योंकि साथ में व्लॉग कर रहा हूँ, काफी रिस्की होता है इसलिए धीरे चला रहा हूँ, सो दैट इज वाई। तो अब मिलते हैं आपको डायरेक्टली मीट के बाद और आप देखिए रास्ते के कुछ शॉट्स। एंड एक और चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की, हेलमेट का यूज करना तो कोई जानता ही नहीं है यहाँ पे, किसी के भी एक सिंगल पर्सन के भी आपको हेलमेट नहीं मिलेगा यहाँ पे, सभी बिना हेलमेट के, कोई 100 में से 1-2 जरूर है, वो भी मेरे को लगता नहीं है कि इस एरिया का होगा, काफी बैकवर्ड एरिया है। एंड अभी कुछ पीछे की तरफ स्टूडेंट्स खड़े हैं, दिखाता हूँ मैं आपको हो सके तो, वो भी बिना हेलमेट के, सब बिना हेलमेट के है। एक सेकेंड मैं शीशा डाउन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर दिखता है तो। ये देखिए जनाब कितने मस्ती से खड़े हैं बिना हेलमेट के, किसी के भी हेलमेट नहीं लगा, दूर दूर तक देख लीजिए आप, एक ही बंदे के अगर आपको हेलमेट दिख जाए तो मेरे को बता दीजिएगा। ये हाल है बेटा, शाबाश, देश का नाम रोशन करेगा तुम, वेरी गुड, क्या बात है। उधर रेड लाइट हुई पड़ी है, ट्रेन आ रही है, इधर जनाब को घर जाना है, जल्दी जाना है, जाओ 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 जल्दी। वो देखो स्टेशन मास्टर भी खड़ा है फ्लैग लेके, सामने से ट्रेन आ रही है बट लोग जाए जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है जान की, आराम से मस्ती से जा रहे हैं। ट्रेन भाई साहब इधर से ही आएगी, आ गई आ गई आ गई आ गई, ये री choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told. खुल गया खुल गया खुल गया, ओ भागो 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 भागो, रेस 4 यही बनाएंगे, रेस 3 तो सलमान खान ने बना दी, रेस 4 ये बनाएंगे।
सीसीडी तो यहाँ पे है नहीं। अगर करणपुर से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे कोई अच्छा कैफे है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ हुआ तो नेक्स्ट टाइम जरूर मैं कोशिश करूंगा उस पे जाने की, बट अभी तो अमूल से ही काम चलाएंगे। चलिए चलते हैं। लो जी, कूल कैफे लेते हैं। अमूल का कूल कैफे तो नहीं मिला गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया था यहाँ मिलना मुश्किल है, बट नेस कैफे की कोल्ड कॉफी मिल गई, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि करणपुर में मिल गई। क्या बात है यार, टेस्ट उसके जैसा तो नहीं है, बट एक बार काम चल जाएगा अपना। ओके रिपोर्ट है। सामने मौसम काफी मस्त हो रहा है, बिल्कुल काले घने बादल छा रहे हैं और बरसेंगे पता नहीं कब। जब यहाँ से मैं निकल जाऊंगा ना, उसके बाद बरसेंगे। इनका भी मेरे साथ दुश्मनी है पूरा, क्योंकि पदमपुर से मैं वेट करता करता आया कि बारिश हो जाए एक बार फिर चलते हैं, बट वहां से भी बारिश नहीं हुई। वहां से जैसे ही निकल के यहाँ आया वहां बारिश होगी, अब यहाँ से निकल के वहां जाऊंगा यहाँ बारिश होगी। भाई आज तो सारा काम उल्टा हो रहा है, सारा काम। देखो गाइस कितने घने बादल हैं, अगर ये बरस जाए तो कहना ही क्या इनका। चलो देखते हैं, होप सो बरस जाए। चीयर्स गाइस, मिलते हैं कॉफी के बाद। सो गाइस अभी इस जगह रुका था मैं फोटो शूट के लिए, काफी अच्छा मौसम हो रहा था, रास्ते में सोचा कुछ फोटोग्राफ्स ले ली जाएं, बट साथ में कोई था नहीं तो अपने आप कुछ फोटोज लिए सेल्फी स्टिक से, बट यकीन मानिएगा काफी जबरदस्त फोटोज आई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे जो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है वो नीचे आ रहा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं दूर दूर तक काफी बादल हुए पड़े हैं, काफ़ी अच्छा सीन बन रहा था। सो मैंने सोचा कुछ फ़ोटोज़ ले ली जाए इंस्टाग्राम के लिए, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा इंस्टाग्राम पे जाके एंड मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आने से लगभग एक दो दिन पहले ही मैं उस पर स्टोरी डाल देता हूँ कि अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अब जैसे ये वाली स्टोरी मैं डालने वाला हूँ गाइज, वीडियो शूट चल रहा है नेक्स्ट व्लॉग का, ये वाला वीडियो सुबह आपको देखने को मिलेगा RC17 व्लॉग्स पे, तो अभी वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो मिलते हैं सुबह 9:30 बजे। सो फाइनली गाइस सारा काम वगैरह करके आ गए हैं घर पे एंड जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, यानी बारिश का, वो घर आते ही वेलकम करने के लिए पीछे पीछे पहुंच गई। अब काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है अब, लेकिन अब जाके कुछ धीरे हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि किस तरह से लगता है बारिश का व्यू मेरे रूम से। करणपुर में तो काफी ढूंढने के बाद कॉफी मिली नहीं, तो जल्दी से घर पे आया एंड अपने आप खुद हैंडमेड कॉफी बनाई है, और खुद की बनाई कॉफी से बढ़िया किसी भी कैफे की कॉफी नहीं हो सकती। तो मैं करता हूँ कॉफी को एंजॉय और साथ में लेता हूँ कुछ स्नैक्स एंड आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग लेके, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल RC17 व्लॉग्स को एंड साथ ही साथ ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके जरूर जाइएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।